गुरु लोग, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक ऐसी सीरीज जिसको देखने का आपका बहुत टाइम से मन तो था, मगर आप किसी एक रीजन की वजह से उसको सीरीज को देख नहीं पा रहे थे। फाइनली वो रीजन सॉल्व हो चुका है, तो फिर तैयार हो तुम उस सीरीज को देखने के लिए? मुझे पता है यार तुम तैयार हो, भूखे बैठे हो, तुम्हें बस माल चाहिए खाने के लिए। सबको पहली एक बात बता दो तो भाई, इसमें फैन का साउंड आने वाला है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, कूलर चला नहीं सकते वरना आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, पंखे वीडियो बना रहे, पंखा भी बंद कर देंगे तो गुरु पूरी हालत ना पीली हो जाती है, मतलब गीली हो जाती है, इसलिए अब जस्ट कर लेना इतना सा। आज मैं जिस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है माई डीमन, और ये ऑफिशियली हिंदी डबिंग में आ चुकी है, मतलब अभी आ चुकी है। इससे पहले ये सीरीज हिंदी डबिंग में थी नहीं भाई, इसलिए इस चैनल पर इसका रिव्यू नहीं आया, वरना यार मैं तुम्हें पता ही है बेकरार रहता हूँ रिव्यू करने के लिए, चाहे वो कोई भी। बीजेपी की बात कौन कह रहा है? तो गुरु लोग अपनी कुर्सियों की पेटी बांध दो, क्योंकि इस सीरीज को देखने के लिए तुमको बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में टोटल 15 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अराउंड होगा, तो मेरे भाई टाइम ही टाइम लेके बैठना यार, क्योंकि भाई क्या कहना था। अब इस सीरीज को देखना कैसे है तुम लोग खुद डिसाइड कर लेना, मैं बस तुम लोगों के बताने आया हूँ कि तुम्हें सीरीज देखनी चाहिए भी या नहीं देखनी चाहिए, तो चलो फिर बताता हूँ, देखनी चाहिए ऐसे करते हैं ना कुछ नहीं। गुरु मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो कोरियन सीरीज होती हैं ये हिंदी में देखने में मतलब इनका अलग ही मजा है, मतलब हिंदी में इनको देखने के बाद ना ऐसा लगता है बिल्कुल सुकून आ जाता है, क्योंकि जो असली मजा हिंदी में है वो किसी और लैंग्वेज में कहाँ होगा, पर नहीं चाची चू चौचे कहाँ समझ में आते हैं हमारे, वो बात अलग है, बुरा लग जाए किसी को, मगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ओनली फॉर हिंदी। कंधे तो गए मेरे। इस सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अपना डीमन, उसका नाम होता है गुओन। मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता यार, क्योंकि इनके नाम कुछ ऐसे ही होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो भाई देख लेना समझ जाना मतलब तुम मेरी फीलिंग। और गुरु गुओन की चल रही है मौज, गुओन गुओन छोड़ दो, डीमन की चल रही है, डीमन की चल रही है मौज, ये बंदा मौज में है भाई, क्योंकि ऊपर वाले ने इसको शक्ति के साथ भेजा है, चुटकी बजाओ और जो चाहे वो कर, मैं बता रहा हूँ ये बंदा रोड पे क्या फिर से बोल गया भाई, चुटकियों में काम चल रहा है इसका, मतलब जो चाहे वो कर सकता है चुटकी बजाते ही, ये बंदा इतना पावरफुल है। और ये है कितना पुराना तो तुम्हें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता लगेगा, मगर मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये मॉडल है भाई सदियों से जिंदा है भाई, तो चुटकी वाले कारनामे देख के तो कुछ वही वाली बात नहीं हो गई। सॉरी। इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट का प्रोटॉन निकालने वाली ये मोहतरमा, मतलब प्रोटॉन मतलब इश्क मोहब्बत की बात कर रहा, तुम क्या समझ रहे हो, इनका नाम होता दो दो ही, और भाई ये है बला की खूबसूरत, मतलब खूबसूरत भी शब्द यार इनके आगे छोटा लगेगा, सच में भाई है खूबसूरती, तुम्हें मानना पड़ेगा यार, तो मेरे को तो पसंद थी भाई। एक पैन इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि दो दो ही जाती है डेट पर, सॉरी भाई एक ब्लाइंड डेट पर, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है डीमन भाई साहब से यार, असल में ये क्रॉस कनेक्शन हो जाता है क्योंकि दो दो ही को जाना कहीं और होता है यार, ये नाम बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि दो दो ही को जाना किसी और बिल्डिंग में होता है, मगर एड्रेस मिस्टेक के कारण वो पहुंच जाती है हमारे डीमन भाई साहब की बिल्डिंग। मैं आप लोगों को अंदर की बात बताऊं, असल में ये प्लान डायरेक्टर का था इन दोनों को मिलाना, अंदर की बात है। तो फिर वो जो के ड्रामा का जादू है वो तो तुम लोगों को पता ही है, क्योंकि नोकझोंक हमें कितनी पसंद आती है, हाँ भाई वो हमें स्टार्टिंग से देखने को मिल जाए, और फिर ये एक दूसरे से मिलते हैं बिछड़ते हैं, मतलब इनकी मुलाकात कहीं भी हो जाती है, फिर इनकी नोकझोंक स्टार्ट होती है, और उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या होता है, लत्ते उतर जाते हैं भाई, आपको मजा आएगा इनकी नोकझोंक देखने में, क्योंकि इनकी सिर्फ नोकझोंक एक सिंपल नोकझोंक नहीं होती मेरे भाई, मतलब और भी बहुत कुछ होता है, और नोकझोंक के अलावा क्या होता है ये भी जानना है, मुझे पता है सालों पक्का बेशर होगा, प्राइवेट चीजें जानने लोगों सब बता के जाऊंगा। सीरीज के स्टार्टिंग से ही ना मस्त ट्विस्ट और टर्न आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आप ये समझ लो कि फुल एंटरटेनमेंट है भाई, स्टार्टिंग से ही मजा आने लगेगा, वो बात अलग है जो तुमको 8 से 10 एपिसोड तक कहीं जाने नहीं देगा, अगर इस सीरीज के टोटल 15 एपिसोड है तो 8-10 एपिसोड में ऐसा क्या है, मैंने सिर्फ 11 एपिसोड तक देखे, मतलब 12वें तो काम अभी चल रहा है, देखो टाइम लगता है चीजें देखने, मैंने देखी तुम्हारा भाई रिव्यू लेके आ गए तो यार रिस्पेक्ट, Give me some little respect. जितनी भी अभी तक ये सीरीज देखी मुझे सच में ये सीरीज बहुत अच्छी लगी, मतलब अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छी है, बाकी मुझे ऐसा लगा था कि 11वें एपिसोड में इसका थोड़ा सा कुछ ही चिंगम की तरह खिंच जाती है, हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा था, मगर हर किसी का नजरिया देखने का अलग होता है, ये सिर्फ मेरा नजरिया था।
बाकी तुमको अच्छी लगेगी मेरे भाई, मुझे पक्का पता है यार, खाली इंसान मानो मानो मानो। इस सीरीज की जो हिंदी डबिंग है भाई वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले उससे। ये नेटफ्लिक्स हमें हिंदी डबिंग कहाँ निराश करता है, हाँ वो बात अलग है, अभी कभी कर दिया हो तो मुझे याद नहीं आ रहा। सीरीज में ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए था, मतलब जो मुझे अच्छा नहीं लगा? फिलहाल तो भाई मैं अपना रिव्यू दूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं जो अच्छा नहीं लगा, बाकी सब बढ़िया था। बस मैंने आपको बताया था 11वें एपिसोड में कुछ ऐसा लगा कि ये थोड़ा अब खींचने लगा चिंगम की तरह, तो ये या मुझे ही लग रहा है पता नहीं, मगर ये मुझे लगा था। बाकी आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप फैन हो तो ये ड्रामा के, मैं भी हूँ मगर मान हो यार भरोसा। हाँ मेरी एक राय ले लो, एपिसोड के बाद अपने जो हाथ है ना वो थोड़े कंट्रोल में रखना, अगर तुम ऐसा लगे भी तो फास्ट फॉरवर्ड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना मजाक खो सकते हो भाई, मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसा लगता है, जरूरी नहीं ऐसा हो तुम्हारे लिए। तो उंगलियों को कंट्रोल में, ये जो भागती है ना ये कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती है, कंट्रोल में, ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, आराम से तसल्ली से देखना 11वां एपिसोड, क्योंकि 12वें में इंटरेस्ट मर आता है। मैं और ज़्यादा फालतू का ज्ञान नहीं दे पाऊंगा यार, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ, पंखे में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपन यहीं पर एंड करते हैं, जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी कहीं बना कहीं पर तो आ रही होगी, देख लेना, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मतलब उल्टा कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय। और बाकी कुछ मैं भूल गया होता यार तुम खुद देख लेना, टाइम नहीं मिलता यार, बस जो मिला बना दिया, बाय बाय।